आज की इस वीडियो में अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कोहलर के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे और कुछ जानकारी भी मिल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? बंदर या चिंपांजी, दोनों पर प्रयोग किया था। उसका नाम था सुल्तान। कोहलर के सिद्धांत के नाम है सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत भी कहते हैं। उसी प्रकार से अन्य जानकारी भी है, कल्पना जितनी अधिक हो सूझ की क्षमता का विकास भी उतनी अधिक होती, यह कथन किसका है? कोहलर का है। आगे चलते हैं। कोहलर का विचार आधारित है गेस्टाल्ट वादी विचारों पर। कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? सूझ। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तत्कालिक ज्ञान है, यह कथन किसका है? गुड महोदय जी का। इस सिद्धांत की विशेषताएं हम बताते हैं। सूझ अचानक पैदा होती है, सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है, सीखने की प्रकृति लगभग स्थायी होती है। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना अनिवार्य है। सूझ में समस्या का समाधान स्वतः मानसिक चिंतन करने से मिल जाता है। सूझ प्राणी के लक्ष्य और समाधान के बीच एक स्पष्ट संबंध की सूचक होती है। सूझ या अंतर्दृष्टि का शिक्षा में महत्व, यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। इस सिद्धांत से तर्क, कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। विज्ञान, गणित जैसे विषयों के शिक्षण में यह उपयोगी है। उसी प्रकार से साहित्य, संगीत, कला आदि की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। यह सिद्धांत बालकों को स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। विद्यालय में बालक के समस्या समाधान पर आधारित अधिकांश सीखने में यह विधि उपयोगी है। अब अन्य जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ जो इससे हटके है। यह जानकारी सूझ उच्च कोटि के पशुओं और मनुष्यों में ही संभव है, क्योंकि सूझ द्वारा सीखने बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।